देखिए, कानपुर में जो प्राणी उद्यान में जो आवासित जंतु हैं उसमें हमारे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं। मैमल्स में भी दो ग्रुप बटा हुआ है, एक कार्निवोर्स हर्बीवोर्स है। तो हम लोगों ने ख़ास तौर से जो टेम्परेचर का वेरिएशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को इसमें बर्ड्स के केस में बहुत ज़्यादा हम लोग केयर कर रहे हैं, उसमें हमने खस की टटिया लगवा रहे हैं। उसको दिन में 2 बार या दोपहर में भी 3 बार करीब जो है हम उसे वाटर से वो वेट करेंगे, और जो बाहर से हवा जाए छन करके वाटर से जाएगी तो उन्हें कूल होगा। और उनके खाने में भी जो रसदार फल हैं वो हम दे रहे हैं, जैसे तरबूज वगैरह काट करके खरबूजा तरबूज ये दे रहे हैं ताकि वाटर क्वांटिटी उनके बॉडी में बनी रहे। और दूसरा हमारा भालू फैमिली है, भालू फैमिली में हमने वाटर गन लगाया हुआ है, उसमें वाटर चलता है और एक टाइम में एक ही भालू हम छोड़ पाते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वाटर गन चल रहा है। और हिरणों में हमारे यहाँ जो हिरण ड्राई हैबिटेट में वासित हैं, जैसे कि काला हिरण हो गया, सांभर और बारासिंघा, इनमें जो है हमने वाटर से गन की आवश्यकता नहीं। इसमें बारासिंघा और सांभर में पॉन्ड में तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें ये क्या करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए रोल डाउन करते हैं, तो उसमें आवश्यकता नहीं। और छोटे हिरणों में हमने वाटर गन लगवाई हैं ताकि वो स्प्रिंकल करते रहें। और कार्निवोर्स की रही बात, तो उसमें हम लोगों ने जो है ये कूलर की व्यवस्था कर रखी है। कूलर अभी कई जगह हम लोगों लगवा लिए हैं और जगह प्रक्रिया चालू है, सब जगह कूलर हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर फिट करा देंगे। कई जगह कूलर लगा लिया है और दिन रात कूलर चलते हैं, रात में चौकीदार भी देखते रहते हैं कि कोई कूलर अगर कोई गड़बड़ी है तो हमारे इलेक्ट्रिशियन तुरंत उसे रिपेयर करता है। कूलर की व्यवस्था कर रखी है। खान पान में हमने इस समय जो मौसमी फल हैं, तरबूज हो गया और ये खरबूजा हो गया या ककड़ी खीरा, ये सब की मात्रा बढ़ा दिए ताकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उनको बना रहे। सर, एकाएक देखा गया है कि लॉकडाउन में जो पोल्यूशन कम था, पहले गर्मी कम थी, एकाएक जो टेम्परेचर बढ़ा है वो कितना चिंताजनक है जानवरों के लिए? देखिए, टेम्परेचर तो लॉकडाउन के केस में जब गाड़ियां नहीं चल रही थी, एसी लोगों ने बंद कर रखा था, जैसे कि गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की कि भाई एसी नहीं चलाना है कोरोना वायरस के लिए, कि रात में टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा था। बीच में साइक्लोन भी आए, उसका भी असर रहा कि टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहा था। लेकिन अभी जो है अचानक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बारिश वो साइक्लोन के कारण हुई थी, उससे टेम्परेचर डाउन हुआ था, लॉकडाउन के कारण डाउन हुआ था। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि टेम्परेचर फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या टेम्परेचर है? ये 43-44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और भी इसके बढ़ने के अभी आसार हैं। जिस हिसाब से ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, रोडवेज पर रोड पर ट्रांसपोर्ट बढ़ा है और उसको देखते हुए एसी लोग घरों में यूज कर रहे हैं, उसे टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ा है। सर, मेरे यहाँ कानपुर जिले में जानवरों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइगर है, तेंदुआ है, हर बाड़ों में सबके लिए कूलर का व्यवस्था किया गया है और हर पक्षी घरों में जो है देखिएगा रेन गन लगाया गया है, खास टटिया लगाया गया है ताकि मेरे पक्षी को जो है लू और गर्मी का असर न पड़े। हर बाड़े में, हिरण बाड़े में भी स्प्रिंकलर लगाया गया है। जैसे आप देखिए बगल में हमारे जो है ये गेंडा मानू जी हैं, इनको रेनगन लगाया गया है। हर बाड़े में रेनगन लगाया गया है पक्षियों को और किसी जानवर को कोई दिक्कत ना हो। बब्बर सर में देख लीजिए हमारे जाकर के अच्छे अच्छे कूलर की व्यवस्था किया गया है। ये बगल में देख लीजिए आप जो हमारे टाइगर ये तेंदुआ हैं, यहाँ अभी 5 कूलर लगाया गया नए नए जो है, पक्षी घर जाकर देख लीजिए हर व्यवस्था किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सही है कि टेम्परेचर 2-3 दिन से बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और ऐसे में थोड़ा सा वन्य जीवों को भी परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए हमने जो इंतज़ाम हैं वो पहले से कर रखे थे ताकि जब गर्मी बढ़े तो हम उनको लागू कर दें। हम लोगों ने सब जगह कूलर लगवा दिए हैं, कूलर चल रहे हैं, खासकर मांसाहारी वन्य जीवों के, उनके हाउसेज में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रात को हाउसेज में गर्मी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे जो पक्षी हैं वहाँ पे हम लोगों ने खस लगा दिया है, खस को लगातार तराई की जा रही है। और जो हमारे शाकाहारी वन्य जीव हैं वहाँ पे हम लोगों ने रेन गन लगा रखी है, रेन गन लगातार चलती रहती है, उससे क्या है कि एक टेम्परेचर डाउन रहता है, वो उसमें नहाते भी हैं और उनको तरावट बनी रहती है। इसके अलावा हम लोगों ने खान पान में भी बदलाव किया है। खान पान में हम लोगों ने वन्य जीवों को सबसे पहले तो उनका खाना पीना हम लोगों ने कुछ चेंज किया है, उसमें उनको जैसे मीट है, मीट वाले जानवरों को हम लोगों ने मीट कम कर दिया है क्योंकि इस समय उनको उतने एनर्जी लेवल की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने इनको पानी में
इलेक्ट्रोल टाइप की चीज़ें जो होती हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह वो देना शुरू किया है, विटामिन ADS देना शुरू किया है। हमारे जो पक्षी हैं, पक्षियों में हम लोगों ने उनको मिनरल्स दे रहे हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा कम करी है, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा बढ़ाया है ताकि उनका एक एनर्जी लेवल उस तरीके का बना रहे कि वो गर्मी को कोप अप कर सकें। गर्मियों में होता क्या है कि उनका पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है, तो उसको हम लोगों ने प्रयास करते हैं कि दोपहर में एक बार फिर पानी को चेंज कर दें। इसी तरह जो हमारे दूसरे शाकाहारी वन्य जीव हैं, उन लोगों में हम लोगों ने गुड़ वगैरह की मात्रा कम कर दी है और हरे चारे की मात्रा बढ़ा दी है ताकि उनमें एक वाटर लेवल बना रहे। तो इस प्रकार पूरे प्रयास किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये जो गर्मी है, खासकर जो अगले 10-15 दिन बहुत गर्म होने वाले हैं, उसमें हमारे वन्य जीवों को कोई तकलीफ नहीं होगी।